मेरे से तरम दोस्तों, तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ मोमो की रेसिपी जो मैंने आज बनाया है, पनीर मोमो। तो बहुत सारे लोगों को पनीर मोमो खाने का बहुत मन करता है लेकिन उनको टेक्निक पता नहीं होता कि कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको रेसिपी फुल वीडियो बताऊँगी और टिप्स भी दूँगी और ट्रिक्स भी बताऊँगी कि कैसे आप पनीर मोमो को बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैदा गूंद लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा मैंने नमक मिलाया और उसे गूंदने के बाद उसको तेल से कोटिंग करके और मैंने उसको प्लास्टिक में अच्छे से पैक करके रखा ताकि उसमें हवा ना घुसे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, आप चाहो तो तेल के जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें मैंने प्याज मिलाया है और बाकी मोमो में आप कच्चा प्याज डाल सकते हो लेकिन पनीर मोमो में ऐसा नहीं है, आपको प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा प्याज सॉफ्ट हो गया है और प्याज को मैंने ठंडा करके उसमें मैंने ग्रेटेड पनीर डाला है और ग्रेटेड जिंजर डाल के उसे अच्छे से मिक्स किया। और हाँ, आप इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि मोमो में मसाले नहीं डलते, स्पेशली गरम मसाला तो बिल्कुल नहीं डलता, बस कुछ ही मसाले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है, थोड़ा सा अजीनोमोटो मिला दिया है और कोरिएंडर लीव्स। और कोरिएंडर लीव्स आप थोड़ा लेट में डालेंगे जब आपका मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो वो उसका ग्रीनीनेस चला जाएगा। तो उसे अच्छे से मैंने मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। मोमो को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा, बट ये है कि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा पड़ता है ताकि मोमो जूसी बने। और यहाँ पे मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली थी तो इस बार मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। पिछली बार मैंने रेड चटनी बनाई थी जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था, और ग्रीन चटनी भी मोमो के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बना के खाइए और बहुत मज़ा आता है। बट मैंने रेड चटनी और ग्रीन चटनी दोनों बनाई थी और दोनों मिक्स करके खाया था। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी बनके रेडी हो चुका था और आप देख सकते हो वीडियो में इतना टेस्टी, इतना स्पाइसी चटपटा चटनी। जितना ही हमारा मोमो सिंपल रहता है उतना ही हमारा चटनी स्पाइसी रहता है, तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने मोमो पैक करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने ट्रे को अच्छे से मैंने ग्रेस किया ऑयल के साथ ताकि मोमो उसमें चिपके ना, और यहाँ पे मैं मोमो को पैक कर रही थी। आप ध्यान से देख सकते हो कि मैं कैसे पैक कर रही हूँ और बहुत इजी है पैकिंग करना। अगर आपको ये बहुत ही हार्ड लगता है तो आप सिंपल सा राउंड वाला भी बना सकते हैं, राउंड वाला तो हर किसी को आ ही जाता है, बट ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे मोमो को पैक किया और आगे चल के मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ पैकिंग का दिखाऊंगी, वो भी अलग अलग डिज़ाइन में, बहुत सिंपल डिज़ाइन में। यहाँ पे मैंने सारे मोमो को पैक कर लिया था और उसको पकने के लिए रख दिया था, और मोमो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये है कि जब आप पकाते हो तो उसके ट्रे को थोड़ा ऊपर नीचे सेट कर देना, बदल देना ताकि वो इवनली कुकड हो जाए। तो यहाँ पर मेरा मोमो बन के रेडी हो चुका था, फिर मैंने प्लेटिंग करी ग्रीन चटनी के साथ, इसे सर्व किया और मेरा प्लेट बिल्कुल रेडी हो चुका था खाने के लिए, और हमने फिर गरम गरम खाया और इतना टेस्टी, इतना जूसी बनता है ना, मतलब आप एक मोमो खा के तो आपका पेट भर ही नहीं सकता, आप बार बार खाओगे मोमो, और इतना लाइट होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।